नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है वो एक मेरे सब्सक्राइबर के सवाल या फिर एक सब्सक्राइबर के एलिगेशन के जवाब में मैं बना रहा हूं। उन्होंने मेरे एक वीडियो पर जाके कमेंट किया कि सर आप हम आम सिविलियंस को भूल गए हो, क्योंकि पिछले आखिरी दिनों से जब से मैं मायज़म के ऊपर और कई होम्योपैथिक प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर जैसे क्लिनिकल वर्सेस क्लासिकल ऐसे टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा था। तो उन्होंने मेरे एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट किया कि सर आप हम आम लोगों को भूल चुके हो क्या, आप कोई भी ऐसा वीडियो पिछले कुछ दिनों से नहीं बना रहे हैं जो हम लोगों के काम आए, एक आम आदमी के काम आए, कि उस वीडियो को देखकर हम अपनी किसी कॉमन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख सकें। तो दोस्तों, मैं उन सब व्यूअर से हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ कि मेरे हर तरह के व्यूअर हैं, तो पिछले दिनों में मानता हूँ मेरा जो दिमाग था वो ज़्यादा होम्योपैथिक प्रैक्टिस के इम्प्रूवमेंट के वीडियो बनाने में था, पर बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि मैं आप लोगों को भूल गया हूँ। तो दोस्तों, अब आने वाले जितने भी वीडियो रहेंगे, आने वाले एटलीस्ट 5 से 10 वीडियो, वो होंगे मेरे आम व्यूअर्स के लिए, जिनके अंदर मैं बहुत जो कॉमन प्रॉब्लम्स, जिससे आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा कॉमनली सफ़र करता है, उन प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और सीधे सीधे उसकी हम मेडिसिन बताएंगे। और ये मेडिसिन मेरे जो डॉक्टर बंधु हैं वो अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं, कर सकते हैं। उनमें से ज़्यादातर को शायद ये पता भी होगी, जिनको नहीं पता है वो यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा आम जनता, जो मेरे आम सिविलियंस हैं, जो नॉन मेडिकोस जो मेरे व्यूअर हैं, वो लोग भी अपने केस के अंदर एक डॉक्टर की सलाह के बाद, है ना, ये एक डिस्क्लेमर मान सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेडिकल आज के सॉरी थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है कॉमन कफ एंड कोल्ड के बारे में। मेरे मानना है कि जो पेन होता है, पेन के बाद जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है जिससे पूरी आबादी, खासकर ट्रॉपिकल कंट्री जैसे कि इंडिया, जब यहाँ पे अलग अलग क्लाइमेट्स होते हैं उसमें जो सफ़र करते हैं, वो होता है कॉमन कफ एंड कोल्ड। आम सर्दी खांसी जुकाम और बुखार की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि वाई शुड वी हैव द कॉमन कफ एंड कोल्ड ड्यूरिंग द वेदर चेंज, तो आप उसको भी जाकर एक बार देख सकते हैं, ऊपर कार्ड में लिंक है, जिससे आप लोगों को ये समझ में आएगा कि हम वेदर चेंज में आम खांसी सर्दी और बुखार से, हम जुकाम से कैसे हम पीड़ित हो जाते हैं, उसका क्या कारण है, आप उसको एक बार देख लीजिए। तो देखिए, लक्षण क्या रहते हैं कि जनरली हम लोगों में से ज़्यादातर लोग, अगर वो नॉर्मल हैं, हेल्दी हैं, टूवर्ड्स द हेल्दी साइड ऑफ मतलब फिजिक हैं, तो वो साल में कम से कम 3 या 4 बार कॉमन कफ एंड कोल्ड से सफ़र करते हैं। वहीं पे अगर वो एलर्जिक हैं, तो वो एलर्जिक अगर होंगे तो भैया इनके अंदर कॉमन एंड कफ एंड कोल्ड का जो प्रभाव है वो ज़्यादा बार होगा। एक आम आदमी 4 से 5 बार अगर सर्दी होती है उसको, तो एलर्जिक पेशेंट को साल में 10 से 12 बार सर्दी होगी, ठीक है ना। तो कॉमन कफ एंड कोल्ड के लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि देखिए कफ एंड कोल्ड इन दिनों, खासकर कोरोना वायरस के टाइम पर, लोग बहुत ज़्यादा इसको ऑकवर्डली और सीरियसली ले रहे हैं। पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए हर कफ एंड कोल्ड कोरोना वायरस नहीं होता है। हम लोगों का परसेप्शन पिछले एक साल में ज़रूर बदल गया है इसको लेके, पर ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस होता है वो अपनी जगह होगा, पर कॉमन कफ एंड कोल्ड में जिस तरह से आबादी को पहले अफेक्टेड होता था, उसी तरह से आज भी वो लोग उससे अफेक्टेड हो रहे हैं। तो कॉमन कफ एंड कोल्ड के लक्षण क्या होंगे कि सबसे पहले छींकें आना चालू होंगी, एक अलग सा एक अनड्यूलेटिंग सेंसेशन, एक मतलब तकलीफ़ वाला, एक मतलब रफनेस बोल लें या स्क्रैपिंग सेंसेशन आपको पहले फील होगा अपने पोस्टीरियर नेयर्स में, मतलब नाक के पिछले हिस्से और फेरिंग्स के आसपास। ये वो सेंसेशन होता है जिसको देख के आप, जिसको जो आपको जब होगा ना, तो आप बोलोगे कि यार मेरे को लगता है मेरे को सर्दी हो चुकी है। और फिर नेक्स्ट आने वाले कुछ घंटों के अंदर या तो आपकी नाक बहना चालू हो जाएगी, ठीक है ना। जब आपकी नाक बहना चालू होगी, एट दैट टाइम आप बहुत ज़्यादा रुमालों को वहंगी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वाटरी डिस्चार्ज होता है। इस वाटरी डिस्चार्ज को कहते हैं हम कोराइसा, नज़ला, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, ये 1 से 2 दिन तक रहेगा। फिर थर्ड डे मोस्ट कॉमनली इनमें से ज़्यादातर लोगों के साथ जो होता है कि इनको सूखी ड्राई कफ चालू होता है। वो ड्राई कफ जो होता है वो लैरिंग्स में इरिटेशन की वजह से होता है,
ठीक है, लैरिंग्स में इरिटेशन की वजह से। अब जब ये चीज़ होगी तो बाय दैट टाइम बीत चुके होंगे 3 से 4 दिन, ठीक है ना। तो ये जो होता है इसका एक प्रकार का मैंने आपको कोर्स बताया कि ये किस तरह से डेवलप होता है। अब इसके अंदर महत्वपूर्ण समझने वाली दो बातें हैं कि इन लोगों को बुखार आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इनको बुखार कब आता है ये सोचने वाली बात है। आपने एक चीज़ गौर करी होगी कि कितनी ही प्रचंड सर्दी हो, हमको कितना ही नाक बह रहा हो, हमारे साथ कुछ भी और हो रहा हो, हमको फीवर नहीं आता, पर जब भी हमारी नाक रुक जाती है, मान लीजिए आपने कोई विक्स लगाया या कोई आपने हल्की फुल्की एंटीबायोटिक या एंटी एलर्जिक सिट्रिजिन जैसी दवा ली, तो वो क्या करती है, नाक के डिस्चार्जेस को रोक देती है। और जब वो नाक के डिस्चार्जेस रुकते हैं तो दे अपियर इन द फॉर्म ऑफ हेडेक। आपको एक हेडेक होता है, साइनस के अंदर कंजेशन हो जाता है। और दोस्तों सर्दी के अंदर जो कंजेस्टिव कोल्ड की स्टेज होती है, सिर्फ उसी में एक बंदे को फीवर आएगा। मेरी बात समझिए कि जब आपकी सर्दी किसी कारण से स्लेक अप हो गई है, ड्राइड अप हो गई है, आप हो सकता है बाइक के ऊपर चले हों, बाइक में ठंडी हवा लगी हो, तो जो डिस्चार्जेस हैं वो सप्रेस हो जाते हैं। और वो जब डिस्चार्जेस सप्रेस होते हैं, कॉमन कफ एंड कोल्ड और कोराइजा के केस में आपको तभी फीवर आएगा, अमूमन आपको फीवर नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेडिसिन में बताने जा रहा हूँ वो हैं बस दो मेडिसिन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर यूज़ होती हैं। अब क्योंकि लोग कमेंट सेक्शन में जाकर ना बोलें कि भाई आपने मेडिसिन बताई तो उसकी पोटेंसी क्या है, रिपीटेशन क्या है, तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है इसके अंदर वो है एक एलियम सेपा, ये आपको यूज़ करनी है 30 पोटेंसी के अंदर, 4-4 गोली दिन भर में 2 बार। और जो दूसरी मेडिसिन है जो इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है पल्सेटिला, वो भी 30 पोटेंसी में, उसकी भी आपको 4-4 गोली 2 बार लेनी है। अब सवाल ये लोग पूछेंगे कि भाई ये हम दो मेडिसिन एक के बाद एक लें, साथ में लें या अलग अलग लें, या कोई स्पेसिफिक केस है जिसके अंदर लें। तो दोस्तों बीइंग अ क्लिनिकल एंड मल्टी प्रैक्टिशनर, मैं मल्टी प्रैक्टिस करता हूँ अपनी होम्योपैथी के अंदर, तो आप इन दोनों मेडिसिन को 5 से 10 मिनट के गैप से दोनों को साइमल्टेनियसली लीजिए। और जब आप एलियम सेपा और पल्सेटिला को लेना शुरू करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर ट्रीटमेंट, तो आप ये देखेंगे कि अगर आप इस बीमारी का इलाज नहीं करते, मान लीजिए कॉमन कफ एंड कोल्ड का, आप कई लोग रह जाते हैं इसमें कि अपने आप सही हो जाएगा, तो उनकी जो सर्दी है वो एक सूखी खांसी पे आके इस तरह से अटकेगी कि वो आने वाले 10 से 15 दिन तक खांसने वाले हैं। और ये नहीं होता अगर आप ये दोनों मेडिसिन स्टार्टिंग में अगर ले लेंगे तो 3 से 4 दिन, हद से हद 5 दिन के अंदर द होल डिजीज विल गेट वैनिश एट वंस। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो मेरे उन व्यूअर्स के लिए जो कि कॉमन कफ एंड कोल्ड, जो हर वेदर चेंज पे जनरली आबादी के बहुत बड़े हिस्से को होता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें बताई गई मेडिसिन को आप किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर की सलाह के बाद अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत जल्द अगले वीडियो में मुलाकात होती है। नमस्कार।